हेलो फ्रेंड, मैं हूं नरेंद्र गौड़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा ए टू जेड। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं प्रत्येक मंडे को आपके लिए रोजगार समाचार लेके आता हूं, जिसमें मैं प्रत्येक वीक जितनी भी वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में पूरे डिटेल से बताता हूँ। तो आज भी मैं लगभग आपको 12 से 15 फॉर्म्स के बारे में बताऊँगा जिनके अभी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं दोस्तों। और ये इस साल का रोजगार समाचार का लास्ट एपिसोड है दोस्तों। अगला एपिसोड अगली साल 2019 जनवरी का फर्स्ट वीक का आएगा दोस्तों। तो ये फोर्थ वीक दिसंबर 2018 का लास्ट रोज का समाचार है। और दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है जो 10th पास एवं 12th पास कैंडिडेटों के लिए भी हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें अधिकतम सैलरी 1,80,000 तक है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आपको ये प्रत्येक मंडे को अपलोड किया जाता है, तो आप वहाँ से पूरे ऑल इंडिया की सभी वैकेंसीज प्रत्येक मंडे को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये सारी जॉब्स हैं, मैं कहाँ से बताता हूँ, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा एक न्यूज़पेपर निकाला जाता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि दिल्ली से निकलता है। अब इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें 22 से 28 दिसंबर के बीच जितनी भी बड़ी वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में इस न्यूज़पेपर में पूरा डिटेल से बताया जाता है। तो अगर आप ये न्यूज़पेपर लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों, वहां से आप इस न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। और जितनी भी मैं आज वैकेंसीज बताऊंगा उन सभी वैकेंसीज के बारे में इस न्यूज़पेपर में दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रोजगार समाचार दिसंबर फोर्थ वीक का। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं लेटेस्ट जॉब्स का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे कुछ इस तरह का रेड कलर का आइकन आ रहा होगा, उसे प्रेस करना है दोस्तों, और उसके बाद वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो आपको ये बेल दिखाई दे रही है दोस्तों, उसे जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट जॉब्स का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रोजगार समाचार। तो दोस्तों, पहली वैकेंसी है हरियाणा पोस्टल सर्कल, जिसमें दोस्तों 682 पद हैं ग्रामीण डाक सेवकों के, जिसके लिए क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 ईयर है दोस्तों, और आप ये फॉर्म 2 जनवरी 2019 तक भर सकते हैं। एग्जाम फीस की बात करें तो दोस्तों 100 रुपए है, और सैलरी एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में डिस्क्राइब नहीं की गई है, बट बताया गया है कि आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो दोस्तों जॉब लोकेशन आपका हरियाणा रहेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो एज लिमिट है, जितनी भी मैं वैकेंसी बताऊंगा उन सभी में रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, और SC ST को 5 साल की छूट दी गई है। और जो एग्जाम फीस है दोस्तों, उसमें भी रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग से कम फीस है दोस्तों, जैसे जनरल के लिए 100 है तो ओबीसी के लिए 50 रुपये, SC ST के लिए कई सारे फॉर्म फ्री भी हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है दोस्तों, वहां से आप सभी वैकेंसी की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप सभी वैकेंसीज के बारे में जान सकते हैं। और इस जितनी भी मैं वैकेंसी बताऊंगा दोस्तों, उसमें सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली वैकेंसी। अगली वैकेंसी है दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF का, अभी एग्जाम कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों, लेकिन अभी RPF में ये अलग से वैकेंसी निकली है 798, जो कि इन सैलरी जैसे जैसे कि आपको जो पानी लाने वाले सफाई वाले वो आते हैं, वो सब की वैकेंसी ये निकली हुई है दोस्तों, लेकिन वो कॉन्स्टेबल के पद पर ही है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगा गया है। ये लिमिट दोस्तों 18 से 25 ईयर, और मैंने आपको बताया है कि रिजर्व कैटेगरी को 3 साल, ओबीसी और SC ST को 5 साल की छूट है दोस्तों, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। और ये फॉर्म दोस्तों आप 1 जनवरी से भर पाएंगे, अभी इसका लिंक जनरेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम फीस की बात करें तो दोस्तों 500 रुपये है, और सैलरी की बात करें तो दोस्तों 19,900 से 21,700 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। और जॉब लोकेशन दोस्तों ऑल इंडिया रहेगा, तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
अगली वैकेंसी है दोस्तों झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें दोस्तों 518 वैकेंसी हैं एक्साइज कांस्टेबल की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगा गया है। ये लिमिट दोस्तों 18 से 25 ईयर है, प्लस रिजर्व कैटेगरी को छूट दी गई है, और आप ये फॉर्म 9 फरवरी तक भर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम फीस आपकी 200 रुपये है दोस्तों, सैलरी आपकी 5200 से 20200 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन दोस्तों आपका झारखंड रहेगा। अगली वैकेंसी है दोस्तों नॉर्थन कोल्डफील्ड लिमिटेड, इसमें दोस्तों 441 पद हैं दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस के। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये स्थायी नौकरी नहीं है, अगर उनको आपका काम अच्छा लगता है तो वो आपको परमानेंट रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ट्रेनी के हिसाब से जाना पड़ेगा। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको परमानेंट वहाँ रख लिया जाएगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 8th+ITI या 10th+ITI अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 16 से 24 ईयर है दोस्तों, और ये फॉर्म आप 12 जनवरी तक भर सकते हैं। एग्जाम फीस दोस्तों 0 रुपीज़ है, सैलरी उन्होंने डिस्क्राइब नहीं की गई है, वर्क के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन दोस्तों आपका मध्य प्रदेश रहेगा। अगली वैकेंसी दोस्तों वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसमें 322 पद हैं दोस्तों, ऑफिस एग्जीक्यूटिव लाइनमैन एवं अदर के भी पद हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th+ITI डिप्लोमा एवं ग्रेजुएशन मांगा गया है दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 ईयर है, प्लस रिजर्व कैटेगरी को छूट है, और आप ये फॉर्म 11 जनवरी तक भर सकते हैं। एग्जाम फीस आपकी 250 रुपये है दोस्तों, और जो सैलरी है वो दोस्तों आपको 22,605 से 34,030 रुपये के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन आपकी वेस्ट बंगाल रहेगी दोस्तों। अगली वैकेंसी है दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड, जिसमें 176 पद हैं दोस्तों, सीनियर इंजीनियर सीनियर ऑफिसर एवं इससे जुड़ते मिलते जुलते काफ़ी सारे पद हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बीटेक सीए ICWA ग्रेजुएट MBBS प्लस डिप्लोमा प्लस PG, इसमें डॉक्टर के भी पद हैं दोस्तों। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर है दोस्तों, और आप ये फॉर्म 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। एग्जाम फीस आपकी 200 रुपये है दोस्तों, और सैलरी 50,000 से 1,80,000 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहेगा दोस्तों। अगली वैकेंसी है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स, काफ़ी सारे युवा इसका इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों इसमें एक्स ग्रुप एवं बाई ग्रुप, टेक्निकल ग्रुप एक्स होता है और नॉन टेक्निकल बाई होता है दोस्तों, जिसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस उनके पास डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। जो 12th PCM से क्वालिफाइड है वो एक्स ग्रुप का भर सकते हैं, एवं अदर सब्जेक्ट वाले 12th के वो बाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो अगर आपका जन्म 19 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के बीच है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 21 जनवरी 2019 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम फीस आपकी 250 रुपये है, सैलरी आपकी 26,900 से 33,100 रुपये के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन दोस्तों आपका ऑल इंडिया रहेगा। अगली वैकेंसी दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, जिसमें दोस्तों 76 पद हैं स्टेनोग्राफर के ग्रेड सेकंड के एंड गुजराती स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के भी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है। एज लिमिट 21 से 40 ईयर है दोस्तों, और ये फॉर्म आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। एग्जाम फीस दोस्तों 600 रुपये, और सैलरी आपको 44,900 से 1,42,400 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन आपका गुजरात रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगली वैकेंसी है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अंदर है दोस्तों, जिसमें 39 पद हैं दोस्तों डिप्टी मैनेजर के इंटरनल ऑडिट में, जिसके लिए क्वालिफिकेशन अच्छा खासा मांगा गया है दोस्तों। चार्टर्ड अकाउंटेंट CA आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 35 ईयर है दोस्तों, और आप ये फॉर्म 28 दिसंबर तक
भर सकते हैं। एग्जाम फीस आपकी दोस्तों 600 रुपये है और सैलरी आपकी 31,705 से 45,950 रुपये के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन दोस्तों आपका ऑल इंडिया रहेगा। अगली वैकेंसी है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, ये भोपाल के अंदर वैकेंसी निकली है दोस्तों। इसमें 36 पद हैं दोस्तों, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट एवं अदर के भी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बीटेक, ग्रेजुएशन, पीजी एवं एमबीबीएस मांगा गया है दोस्तों। इसमें कुछ पद डॉक्टर के भी हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर है दोस्तों और आप ये फॉर्म 5 जनवरी 2019 तक भर सकते हैं। एग्जाम फीस दोस्तों 50 रुपये और सैलरी 29,200 से 1,77,500 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश रहेगा। अगली वैकेंसी है दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जिसमें 30 पद हैं दोस्तों, जूनियर स्टाफ नर्स ट्रेनी के, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी प्लस नर्सिंग है या आपके पास डिप्लोमा है, तो आप डिप्लोमा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है दोस्तों, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि क्या डिप्लोमा मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 28 ईयर है दोस्तों और ये फॉर्म आप 26 दिसंबर तक भर सकते हैं। एग्जाम फीस आपकी 250 रुपये दोस्तों, सैलरी आपकी 16,800 से 24,110 रुपये के बीच आपको इसमें सैलरी दी जाएगी पर मंथ। जॉब लोकेशन बोकारो झारखंड रहेगा दोस्तों। अगली वैकेंसी है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये रिजर्व बैंक से मिलती हुई संस्था है दोस्तों। इसमें 9 पद हैं दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी के, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप नोटिफिकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया दोस्तों, वहां से चेक कर सकते हैं, कुछ अलग अलग नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। मैक्सिमम इसमें एज लिमिट आपकी 52 ईयर है दोस्तों और आप ये फॉर्म 5 जनवरी तक भर सकते हैं। एग्जाम फीस आपकी दोस्तों 0 रुपीस है और सैलरी आपकी 56,100 रुपये से पर मंथ आपकी इसमें स्टार्टिंग होगी। जॉब लोकेशन बेंगलुरु कर्नाटक रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का रोजगार समाचार December 4th week का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं और आने वाली जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अब तक आपने इसे लाइक भी कर दिया होगा, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।